करते हैं हम रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, और उसके अंदर हम ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, यानी ऐसे कंपाउंड या जो भी मान लीजिए रिएजेंट जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। जैसे आपके पास है CH3COOH, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? है। तो ये किसके साथ रिएक्शन कर सकता है? बहुत सारों के साथ। जब एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये मेटल के साथ भी करेगा। मेटल मेटल ऐसा होना चाहिए जो एल्कली हो। कौन सा मेटल एल्कली है? एल्कली मेटल ही नाम ले लो, एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल, दोनों एल्कली होते हैं। यस और नो? तो इसके लिए आपने ले लिया सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम वगैरह। जितना नीचे जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। सोडियम की बहुत ज़्यादा होती है, तो क्यों नहीं अपन बहुत हाई पर क्यों ले, जब हमारा काम सोडियम से ही बहुत अच्छा चल रहा है। तो सोडियम ले ले। तो आप ही मेरे को बताइए, सोडियम मेटल है और ये एक एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है, क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। सोडियम क्या करेगा, OH को रिप्लेस करेगा या H को रिप्लेस करेगा? H को। देखो हो ये रहा है कि सोडियम तो प्लस बनेगा और H बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना? और बाहर जाते वक्त जो सोडियम से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है वो लेके H डॉट बनाएगी, और H डॉट के साथ क्या बना लेगा? एच टू गैस। तो आपने बिल्कुल सही कहा, यहां आपको मिलेगा CH3COOHNA, ये CH3COOHNA, और उसकी जगह न्यूट्रल हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में निकल जाएगी। आप चाहे तो यहां पर हाफ H2 लिख दो, बैलेंस हो गया आपका, कोई डाउट नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप इसी की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा, अब Na प्लस है, पहले Na न्यूट्रल था, मेटल था, तो क्या बनेगा आपके पास यहां पर CH3COOHNA प्लस H2O बाहर निकलेगा। बोलो निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा। तीसरी तरफ अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ, तो क्या होगा, ये भी एक सॉल्ट है, ये एक एसिड है, ये बेसिक सॉल्ट है, ये क्या है आपके पास, बेसिक सॉल्ट, क्योंकि Na प्लस है इसकी, तो कहीं ना कहीं ये Na प्लस इसके साथ है। अब आप कहेंगे ये बेसिक है या एसिडिक है, दोनों है। आप एम्फोटेरिक भी बोलते हैं ऐसे सॉल्ट्स को, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन भी है और इसमें Na प्लस भी है। ये एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, ये बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको बेसिक बोलूंगा क्योंकि सामने वाला एसिड है। सामने वाला एसिड होता तो मैं इसको क्या बोल देता, सामने वाला बेस होता तो मैं क्या बोल देता है, एसिडिक सॉल्ट। तो वो सॉल्ट जिसके अंदर Na प्लस भी है और H प्लस भी है उसको आप क्या बोलते हो, एम्फोटेरिक सॉल्ट। ये मैं सॉल्ट्स के अंदर से चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाता हूँ। तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी, हाँ, तो क्या बनेगा CH3COOHNA और H2CO3, H2CO3 फर्दर डिकम्पोज होगा H2O प्लस CO2 में। तो कोई समझ में आया? तो इस तरह से ये रिएक्शन दे रहा है आपके पास अलग अलग तरह से। और एक और ले लेता हूँ मैं आप ही के साथ, सोडियम NaOH की जगह NaH ले लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ, NaH। NaH और NaOH में कौन ज़्यादा बेसिक है, NaH, क्योंकि H माइनस OH माइनस से ज़्यादा बेसिक होती है, एच माइनस हाईली अनस्टेबल है, तो एच माइनस ज़्यादा बेसिक होगी। तो ये एच माइनस क्या करेगी इसके साथ रिएक्शन करके, CH3COOHNA तो बनाएगी और एच माइनस एच प्लस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, एच टू गैस। तो ये हमारे पास अलग अलग रोल हो गए अलग अलग रिएक्शन में CH3COOH के। लेकिन एक खास बात है, CH3COOH हर रिएक्शन में एसिड है इन सब में, और बाकी चीज़ें क्या है, बेस है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया पक्का? NaH बेटा, NaH और NaOH, H माइनस OH माइनस, समझ में आ रहा है, H माइनस हाईली रिएक्टिव ड्यू टू अनस्टेबिलिटी, हाईली रिएक्टिव ड्यू टू अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी।
OH में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, स्टेबल, रिलेटिवली लेस स्टेबल, लेस रिएक्टिव। तो यहां हमारे पास हो सकता है। और आपको एक और बात बताऊं, अगर NaNH2 ले लेते हैं तो क्या बनेगा, NH2- सोडामाइड बोलते हैं इसको, पक्का? तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज इन दो ऑक्सीजन के कंपेयर में तो कम स्टेबल है, और H- के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी ये रहेगी। अब क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो NaNH2 भी अपने आप में क्या है, बेसिक है। तो NaNH2 भी अपने आप में बेसिक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, फिर NaNH2, फिर NaOH। समझ में आ रहा है बात? लिख ले, करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की खास रिएक्शन है, तो ये हमारे लिए कार्बोनाइल ग्रुप जानते हो ना, सी डबल बॉन्ड ओ, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लिख लीजिए, इट इज द करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ, इट इज द करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड। और आप अच्छे से जानते हो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें भी आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ ये हो, एच ऑब्लिक आर कार्बोनाइल कंपाउंड, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप एल्डिहाइड कीटोन एंड कीटोन। कहीं कोई दिक्कत समझने में? तो ये एल्डिहाइड और कीटोन की मेन रिएक्शन में से एक है। क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, कार्बोनाइल का पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, कार्बोनाइल का ये जो पाई बॉन्ड है टूट जाता है और यही रिएक्शन होती है। तो कैसे रिएक्शन होती है ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास सी है, डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पर है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का एडिशन है। ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस, तभी तो वो न्यूक्लियोफाइल है, उसे प्लस चाहिए, और इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस, जिसके ऊपर प्लस होता है वो इलेक्ट्रॉन चाहता है इलेक्ट्रोफाइल, जिस पे माइनस होता है वो प्लस चाहता है न्यूक्लियोफाइल, और प्लस किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियोफाइल। अब यहां रिएक्शंस दो तरह से हो सकती है, फिलहाल तो रिएक्शन होने के बाद होगा क्या वो मैं बता देता हूं, फिर मैकेनिज्म पे बात करेंगे हम। तो देखिए सी, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ओ, ये ब्रेक टूट गया, तो जब ये टूटेगा तो यहां पर क्या चार्ज होगा, प्लस या माइनस, प्लस, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होएगा, ऑक्सीजन पे, तो जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, तो यहां कौन अटैच होगा, ई, और यहां कौन जो अटैच होगा, एन, न्यूक्लियोफाइल। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? तो ये रिएक्शन आपके पास होगी एडिशन रिएक्शन, ये तो कंफर्म है, क्या होगी, एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एक कंपाउंड इसमें ऐड हो रहा है, पक्का, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहले हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कहलाती है, इलेक्ट्रोफाइल पहले हो रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। फिर बिल्कुल सही कहा, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है और फिर इसके साथ हो रही है, कोई डाउट नहीं है, श्योर, लॉक कर दे। तो ये तो हमारे पास हो गई न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, तो लिखें इसको आप, रिएक्शन हो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहां भी दो बातें हो सकती है, या आपने कोई कैटलिस्ट नहीं लिया, आपको ये हो गई, यहां केस स्टडी होती है, दो केस स्टडी, केस फर्स्ट, इफ मीडियम इज एसिडिक, केस फर्स्ट क्या है, इफ मीडियम इज एसिडिक, अगर आपने मीडियम एसिडिक कर लिया, यानी एसिड डाल दिया थोड़ा सा भी, तो यहां पर क्या बोलेंगे, एसिड कैटेलाइज बोल सकते हैं इसको, एसिड कैटेलाइज, एसिड कैटेलाइज रिएक्शन। तो एसिड कैटेलाइज रिएक्शन में क्या खास बात दिखेगी आपको, सोच के देखिए कि एच प्लस जबरदस्ती ज्यादा हो गए तो न्यूक्लियोफाइल को एक तरह से वो क्या कर देंगे, इंगेज कर देंगे,
एच प्लस इंगेज्ड, टू न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल को वो रोक देंगे, तो फ्री कौन होगा अभी आपके पास, कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल पहले आएगा। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस इज मोर रिएक्टिव हो जाएगा एज कंपेयर न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर पहले अब कौन आएगा, ई प्लस अटैक करेगा। तो आप देखिए ये हमारे पास रिएक्शन है, और पहले कौन आएगा, ई आ जाएगा, यानी कुल मिला के ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ करेगा, फिर उसके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करना इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो जब ऑक्सीजन के लोन पेयर पे रिएक्टिव हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो ऑक्सीजन पे ई अटैच हो चुका है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर था, उसे लोन पेयर ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो आ गया इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या हुआ कि यहां पर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज भी आ गया साथ के साथ, ये बॉन्ड टूटेगा, ये यहां जाएगा, ये न्यूट्रल आ जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा, तो कुल मिला के ये बन जाएगा अब आपके पास इस तरह से कार्बन पे प्लस। अब आएगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी एच प्लस ने कम कर दी, तो वो अब बाद में आएगा, आएगा जरूर, लेकिन तो कंपाउंड तो वही बन रहा है जो पहले देखने को मिल रहा है, बस अंतर ये कि मैकेनिज्म चेंज हो गई, मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल एडिशन ना होके इलेक्ट्रोफाइल एडिशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने यहां पर एसिड कैटेलाइज कर दिया तो रिएक्शन पहले ई आएगा फिर एनयू आएगा, तो हाँ इस जगह हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ई ए आर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियो से एन ए आर, तो अंतर आ रहा है। तो केस स्टडी आपके साथ यहां पर इस तरह से हो रही है, तो कहीं कोई दिक्कत समझने में, तो इसकी केस स्टडी सेकंड भी कर लेते हैं। अगर आपने इस रिएक्शन को सेकंड केस स्टडी हम बात कर रहे हैं, इफ मीडियम इज बेसिक, मीडियम इज बेसिक, थोड़ा सा भी अगर आपने बेस मिला दिया तो हमारे लिए क्या कहलाएगी है, बेस कैटेलाइज रिएक्शन, एलवाई एसिड कैटेलाइज रिएक्शंस है ना। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ओ एच माइनस एंगेज कर देगा किसको, टू इलेक्ट्रोफाइल को, पहले ही हमारे लिए न्यूक्लियर, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास क्या है, ओ एच माइनस है, ओ एच माइनस इलेक्ट्रोफाइल को एंगेज कर देगा, ई पे क्या चार्ज है, प्लस, तो ये उसको एंगेज कर देगा कुछ देर में। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल वैसे ही फास्ट होती है, अगर कोई भी मीडियम नहीं हो तो न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, लेकिन अब और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी उसकी, तो उससे क्या होगा, तो यहां हमारे पास एक तरह से न्यूक्लियोफाइल इज मोर रिएक्टिव, ऑलरेडी पहले रिएक्टिव था एज कंपेयर, और ज्यादा हो गया एज कंपेयर इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास और ज्यादा हो गया है। तो अब देखिए सी डबल बॉन्ड ओ दिस, आपके पास कौन आया पहले, कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस तरफ अटैक करेगा, ये करा और साइमल्टेनियसली ये चला गया, इसका इंटरमीडिएट देखो कितना स्टेबल भी है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल, लेकिन क्योंकि और कुछ था नहीं तो आपको ऐसे ही करानी थी, तो यहाँ इंटरमीडिएट पहले के कंपेयर में ज्यादा तेज है, इसलिए आप कार्बोनाइल की रिएक्शन कराना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि बेस कैटेलाइज ही लें, रिएक्शन फास्ट होगी। तो यहाँ आपके पास कौन अटैच हो रहा है, अभी ओ पे माइनस आएगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ गया, अब आगे अब बचा क्या बात, ई प्लस की, तो ई प्लस अब आ ही जाएगा इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज इसको इनवाइट कर ही रहा है, और क्या बन जाएगा, ओ ई। बोलो आपको मेरी बात समझ में आ गई,
तो हमारे लिए क्या अच्छी बात है, क्या रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं? आप किस में करना पसंद करेंगे कार्बोनाइल की रिएक्शंस को, एसिड कैटेलाइज या बेस कैटेलाइज? बेस कैटेलाइज। दोनों में अच्छी बातें क्या है कि दोनों में फाइनल प्रोडक्ट आपको सेम ही देखने को मिल रहा है। तो ये की पॉइंट्स आपके इंतजार कर रहे हैं, इनको लिखिए। बनना वही है, लेकिन कैटेलाइज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है? बेस कैटेलाइज। तो कुछ की पॉइंट आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें लिखिए। की पॉइंट फर्स्ट, इन एसिडिक और बेसिक मीडियम फाइनल प्रोडक्ट आर सेम, सेम प्रोडक्ट बन रहे, पहली चीज, पहला पॉइंट। दूसरा, इन बेस कैटेलाइज्ड बेस कैटेलाइज्ड इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, सो बेस कैटेलाइज्ड इज मोर इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव। ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छे हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, यहां पर अगर कायरलिटी जनरेट हो रही है तो एनाइशोमर्स पेयर बनेगा, क्योंकि अगर ये कायरल है तो इससे थोड़ी ना मालूम है, एनयू ऊपर से भी आ सकता था, नीचे से भी आ सकता था, ठीक है ना? तो यहां हमारे पास कुछ और चेंजेज हुए हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बोनाइल का क्या हुआ है? sp2 से sp3 में चेंज हुआ है। हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ कार्बोनाइल कार्बन चेंज sp2 टू sp3, एंड रिमेंबर दैट, रिमेंबर दैट, व्हाट रिमेंबर? रिमेंबर दैट इफ कायरलिटी विल जनरेट, कायरलिटी विल जनरेट, देन अगर कायरलिटी जनरेट होगी तो क्या होगा? देन रिमेंबर फाइनल प्रोडक्ट आर एनाइशोमर्स, आर पेयर ऑफ एनाइशोमर्स, पेयर ऑफ एनाइशोमर्स। तो पेयर ऑफ एनाइशोमर्स होंगे, एनाइशोमर्स आप समझ गए, एक आर बनेगा, एक एस बनेगा। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कायरलिटी से और भी पॉइंट हमारे पास आ सकते हैं। एक और पॉइंट हम यहां पर ले रहे हैं, की पॉइंट फोर्थ नंबर का, लिखते हैं, चले जाए। देखिए, हमें अभी तक ये पता चला, हाँ ये है, क्या रिएक्टिविटी कार्बोनाइल पे भी डिपेंड करेगी? हाँ। तो अभी तक तो हमने क्या करा है, एसिडिक और बेसिक मीडियम पे रिएक्टिविटी का कमेंट करा है कि बेसिक में ज्यादा फास्ट होगी एज कंपेयर टू एसिडिक, और फिर उसके बाद न्यूट्रल, समझ में आया? लेकिन अगर हमसे बात की जाए कि और ज्यादा कैसे करेंगे, तो ये वाला पॉइंट लिख लीजिए आप पहले। एक और पॉइंट, रिएक्टिविटी कार्बोनाइल के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी? द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, द रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शंस ऑल्सो डिपेंड, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड।
रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड. ये कार्बोनाइल कंपाउंड है. दो पॉइंट पे, फर्स्ट कार्बोनाइल कंपाउंड में पोलरिटी कितनी ज्यादा है. फर्स्ट पोलरिटी ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड. समझ में आ रहा है? तो पोलरिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा अच्छी सी बात है. तो आप ही बताइए कि हमारे पास ये कंपाउंड टूट गया तो कैसे बनेगा. न्यूक्लियोफाइल फिर इसके ऊपर अटैक करेगा. अगर यहां पर प्लस चार्ज डेंसिटी आई नहीं, उतनी नहीं हुई जितनी चाहता है, तो ये रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इन इजी वे, इन इजी वर्ड्स वर्ड्स रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शंस प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम. तो पॉजिटिव चार्ज के कार्बन एटम पे डिपेंड करेगी. की पॉइंट नंबर फोर्थ. अब ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे कैसे आएगा ज्यादा है तो सही, और कितना चाहिए? अगर ये चार्ज में कोई ने इसको दे दिया, मतलब कुल मिला के प्लस आई ग्रुप आ गया, तो प्लस आई ग्रुप इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? कम कर देगा. और कम कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी. तो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम प्रोपोर्शनल होगा, ध्यान से सुनना, माइनस आई, माइनस आई इफेक्ट, मेन तो माइनस आई ही चलेगा यहां पर, और प्लस आई, बाकी और भी इफेक्ट है, प्लस आई, प्लस आर, प्लस एम, जो भी आप बोले. तो ये क्या करेंगे उसके, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? प्लस आई क्या करेगा, माइनस आई क्या करेगा, उसके चार्ज को बढ़ाएगा. और प्लस आई क्या कर देगा, कम कर देगा. प्लस आई ग्रुप जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी क्या होती है, कम होगी. यानी कुल मिला के प्लस आई बढ़ेगा, रिएक्टिविटी पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, हाँ डेंसिटी लगा दो और अच्छा लगेगा, डेंसिटी ऑन कार्बन कम होगी, रिएक्टिविटी कम होगी. ये आपके पास बिल्कुल सही फैक्टर आ गया फोर्थ, जिसके अंदर आपने बहुत आराम से ये कर लिया है. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसी के अंदर ऐड करेंगे. सेकंड पॉइंट, पॉलरिटी तो हो ही गया. सेकंड, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस. देखिए आपके पास ये कंपाउंड है, हाँ या ना? अभी यहां माइनस हो गया, यहां प्लस हो गया. न्यूक्लियोफाइल आना चाहता है, न्यूक्लियोफाइल आना चाहता है, लेकिन ये जो ग्रुप है ये बल्कि ग्रुप हो गए, तो उसे अंदर अप्रोच करने के लिए क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. तो जितना ज्यादा रिपल्शन होगा रिएक्टिविटी उतनी क्या होती जाएगी, कम होगी. इज दैट क्लियर? तो यहां हमारा जो सेकेंड पॉइंट है स्टेरिक हिंड्रेंस, तो यहां हमारे पास जो सेकेंड पॉइंट आएगा मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस रिएक्टिविटी. ये भी हो गया. तो जितना ज्यादा हिंड्रेंस होगा, जितना बल्कि ग्रुप होगा, उतनी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम. और ये डोमिनेट कर जाता है, ये डोमिनेट करता है. कौन डोमिनेट करता है? स्टेरिक हिंड्रेंस. तो अब आपने दोनों फैक्टर कर लिए, एक पोलरिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड और दूसरा, तो पोलरिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड ज्यादा होनी चाहिए जिससे आसानी से वो बॉन्ड टूटे और हमारा काम चल जाए, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाए. तो अब आप इस पे कंपेयर करेंगे. फिफ्थ नंबर का पॉइंट है इंपॉर्टेंट,
ये तो उसके पॉइंट थे हमारे फोर्थ के फर्स्ट सेकंड। तो फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है हमारे पास, अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं, कंपेयर रिएक्टिविटी, तो कैसे करेंगे बेटा कंपेयर? देखो एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में देखो बहुत अच्छी बात है कि ये बल्किनेस बिल्कुल नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल खत्म है, तो यहाँ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, बहुत फास्ट हो जाएगा, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड एसीटेल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव होगा, और ये एसीटेल्डिहाइड एसीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। वो लोग क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, बोल सकते हो एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर कीटोन्स ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, लिखें इसको।